हमने करना है एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग का टॉपिक। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग जब भी आएगा, 5 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, पर ये आता कम है। अब देखिए, इस पे लिख लीजिए कि 5 क्वेश्चन का टॉपिक है ये, क्लियर? चलिए, अब इसमें होता क्या है ये देखिए। आपके पास क्राइटेरिया दिया होगा, आपको वो क्राइटेरिया देखना है कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्राइटेरिया है कि एक पर्सन, जैसे आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप चेक करते हैं कि आप वो फिल कर सकते हैं कि नहीं, वैसे इसमें यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन है कि बंदा फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट कितने परसेंट मार्क्स के साथ? 65% मार्क्स के साथ, ठीक है? सेकेंड कंडीशन है कि उसके SSC में कितने मार्क्स होने चाहिए? 70%, तो 70% मार्क्स होने चाहिए। और उसने कहा कि वो एज उसकी 21 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए, 1/8/2010 को। 1/8/2010 को कितनी होनी चाहिए एज? 21 से 26 साल। फिर उसने कहा कि उसके सिलेक्शन टेस्ट में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो पर कम नहीं होने चाहिए, और 50% सिलेक्शन इंटरव्यू में होने चाहिए। अगर वो सारी की सारी कंडीशन पूरी कर रहा है तो आंसर आ जाएगा सिलेक्टेड। अगर इन पांचों में से एक भी पूरी नहीं करेगा तो आंसर आ जाएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड। इसमें से एक भी कंडीशन गिवन नहीं है तो डेटा इनएडिक्वेट। देखिए, अभी तो ये मेरे पास 3 आंसर्स हुए, पर बैंक के पेपर में आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो 2 ऑप्शन और कैसे होंगे? जैसे उसने कहा कि अगर ए अबव पहली पूरी नहीं कर रहा, यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट ना होकर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है, और कितने परसेंट मार्क्स है? 70% मार्क्स, तो उसको केस रेफर कर देना है जीएम के पास। मतलब अगर कॉमर्स ग्रेजुएट ना होकर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है तो हमें उसको नॉट सिलेक्टेड नहीं करना, हमें उसे कहां रेफर कर देना है? जीएम के पास। एट ई अबव अगर वो ई पूरी नहीं कर रहा, ई क्या है? 50% मार्क्स इन सिलेक्शन इंटरव्यू, तो हमें कहां कर देना है उसके? अगर ई पूरी नहीं कर रहा पर उसके सिलेक्शन इंटरव्यू में कितने परसेंट है? 40% और 70% सिलेक्शन टेस्ट में, तो केस को रेफर कर देना है प्रेसिडेंट को। अब देखिए, मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, नीचे दी हुई हैं। गिव आंसर 1 अगर वो सिलेक्टेड है, गिव आंसर 2 नॉट टू बी सिलेक्टेड, तीसरा जीएम को रेफर कीजिए, चौथा प्रेसिडेंट को, और पांचवा है डेटा इनएडिक्वेट, क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हाँ जी, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक ने डिग्री एग्जामिनेशन कॉमर्स का पास किया इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास इन 68% मार्क्स। फर्स्ट कंडीशन पूरी हमारी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही थी कि उसके पास 65% मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स में। दूसरी, उसने कहा 2009 में वो 22 साल का हो जाएगा, 2009 में 22 साल का, तो एज भी पूरी, ठीक है? उसके बाद उसने कहा कि उसके SSC में 73% मार्क्स चाहिए, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी। फिर उसने कहा कि उसके सिलेक्शन टेस्ट में 64% मार्क्स और सिलेक्शन इंटरव्यू में 62% मार्क्स, मतलब पांचों की पांचों कंडीशन पूरी, तो फर्स्ट का आंसर मेरा आ जाएगा 1, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरद भाटिया बीकॉम है फर्स्ट क्लास विद 69% मार्क्स। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन अगेन पूरी। नेक्स्ट कंडीशन उसने कहा SSC में 78% मार्क्स, सेकंड कंडीशन भी पूरी। थर्ड, उसने कहा कि उसने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग इयर्स 23 ईयर्स ऑफ एज। 2008 में वो 23 साल का है, तो 2010 में कितने साल का हो जाएगा? 25 साल, तो सी कंडीशन भी पूरी। फिर उसने कहा कि उसके सिलेक्शन टेस्ट में 65% मार्क्स है, ये भी पूरी, मुझे 60% चाहिए थे। फिर उसने कहा कि उसके इंटरव्यू में 48% मार्क्स है, जो सफिशिएंट नहीं है, 50% होने चाहिए। अब पांचवी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, पर मेरे पास पांचवी कंडीशन में ये था कि अगर वो पांचवी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा पर उसके इंटरव्यू में 40% मार्क्स हैं। हाँ जी, इंटरव्यू में उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 40% मार्क्स होने चाहिए और एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन टेस्ट में। अब सिलेक्शन टेस्ट में उसके सिर्फ 65% मार्क्स हैं। हाँ जी, सिलेक्शन टेस्ट में कितने हैं? 65%, तो
तो मतलब मेरे पास ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो आंसर आएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड। तो सेकंड का आंसर आ गया सेकंड, यानी कि नॉट टू बी सिलेक्टेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है राकेश के एसएससी में 85% मार्क्स आए, हमें 70 चाहिए थे उसके 85, गुड। उसके ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए 65% मार्क्स से। अब वो कॉमर्स ग्रेजुएट ना होकर क्या है, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट। तो पहली ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, पर इसके साथ मुझे एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर वो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है 70% मार्क्स के साथ, तो हम इस केस को रेफर कर सकते हैं जीएम के पास। ठीक है, चलिए एज देखते हैं, 88 बॉर्न है। हाँ जी, 88 से लेके 2010 तक कितने साल हो जाएंगे, 88 से लेके 2000 तक कितने हो गए, 12 और 10 22 साल, तो एज भी पूरी। 89% मार्क्स इन एसएससी, 63% इन इंटरव्यू एंड 61% इन सिलेक्शन टेस्ट। सब कुछ पूरा है, बस फर्स्ट कंडीशन ना पूरी करके एक्सेप्शन पूरी हो रही है। तो इस केस में आंसर आ जाएगा जीएम को रेफर करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हमने कर लिया, फाइव। चलिए फाइव में देखिए, हमारे पास फाइव में क्या है, सरिता इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स इन फर्स्ट क्लास। हाँ जी, ध्यान से देखिए, इसमें गिव आंसर फाइव, ई ऑप्शन मिसिंग है, और ई ऑप्शन थी हमारी डेटा इनएडक्वेट। इसमें ई ऑप्शन मिसिंग हो गई है, तो ई आंसर है डेटा इनएडक्वेट। पिछले क्वेश्चन में भी शायद मिसिंग थी। चलिए, सरिता पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, पास्ड इन फर्स्ट क्लास विद 62% मार्क्स। हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले मुझे ग्रेजुएशन के नंबर चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो हमें पता है ग्रेजुएशन के बाद ही होगी, पर पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर होंगे तभी। चलिए, अब इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स मिसिंग है, हिज स्कोर इज एसएससी वाज 75%, तो बी कंडीशन पूरी। एज भी ठीक है इसकी, सिलेक्शन टेस्ट में भी नंबर ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू में भी ठीक है, सब कुछ पूरा है, बस कॉमर्स ग्रेजुएट ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं दिए। तो अगर मुझे ग्रेजुएशन के मार्क्स दे देता तो सिलेक्ट हो जाता, अभी ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं है, तो आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट, दैट इज ई ऑप्शन, जो हमारे पास ई ऑप्शन यहां पर दिख नहीं रही, मिसिंग है ई ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट सेट अलग से है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, 6 से 15, अब 6 से 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट सेट करना है। ध्यान से देखिए, इसमें मुझे क्या कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड बी 22 to 28 ईयर्स ऑफ एज। कैंडिडेट 22 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए रिटन टेस्ट में और 60% इन इंटरव्यू। अब देखिए, मुझे बोला गया है 70% इन रिटन टेस्ट और मुझे फुल मार्क्स भी दिए हुए, तो 70% ऑफ 400 कितना हो जाएगा हमारा 280। हाँ जी, 10% ऑफ 400 कितना होता है 40, तो उसका 70% कितना हो जाएगा 280। ऐसे उसने मुझे बोला 60% ऑफ 200, हाँ जी 200 का 60%, 10% कितना होगा 20, तो कितना हो जाएगा 120। चलिए, मुझे 280 नंबर चाहिए रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में 120। नेक्स्ट उसने मुझे कंडीशन दी कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब एक्सेप्शंस में लिखा है, फिर से पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मतलब एज में उसका 22 से कम या 28 से ज्यादा है, तो कहां रेफर करेंगे हम, चेयरमैन को। पांचवी कंडीशन में वो मुझे कह रहा है कि अगर उसके ऊपर क्रिमिनल केस है तो उसको क्या करना है, प्रोविजनली रिक्रूटेड। सी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर वो पहली और तीसरी पूरी नहीं कर रहा, अगर वो एससी एसटी है तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। हाँ जी, आप सबको पता है अगर बच्चा एससी एसटी है तो एज में रिलैक्सेशन है, मार्क्स में रिलैक्सेशन है, फीस में रिलैक्सेशन है। यहां पर मेरे पास एज दी हुई है और मार्क्स दिए हुए हैं, फीस नहीं दी हुई। एज में उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, एज 32 साल तक चल जाएगी और मार्क्स हमें बोले हैं 40% तक चल जाएंगे, और ये कब, सिर्फ एससी एसटी में। चलिए, अब मेरे पास आंसर्स देखिए कौन कौन से हैं। पहला है डेटा इनएडिक्वेट, दूसरा सिलेक्टेड, दूसरा नॉट, तीसरा नॉट टू बी सिलेक्टेड, चेयरमैन या प्रोविजनली रिक्रूटेड। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, वर्षा।
हाँ जी वर्षा 23 साल की है। हाँ जी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, वर्षा 23 साल की है तो पहली कंडीशन पूरी, उसके 78% मार्क्स आए रिटन टेस्ट में, मुझे कितने चाहिए थे 70%, तो 78% गुड इनफ। फिर उसने कहा 80 मार्क्स इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में मुझे 80 मार्क्स मिले हैं उसको, मुझे 60% चाहिए 200 का, तो 60% 200 का मैंने बताया था 120, तो 80 मार्क्स मतलब कम है उसके नंबर, ठीक है, तो इसके इंटरव्यू में कम आए मार्क्स। ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, हाँ जी ये भी कंडीशन पूरी हमारी फोर्थ। उसके बाद उसने कहा कि उसके ऊपर कोई पेंडिंग केस नहीं है, ग्रेजुएट है और वो SC ST को बिलोंग नहीं करता। अब देखिए अगर वो SC ST को बिलोंग करता तो 40% मार्क्स चल जाते, मतलब 80 मार्क्स चल जाते, पर वो SC ST को बिलोंग नहीं करता तो उसके 40% मार्क्स नहीं चलेंगे, तो आंसर आ जाएगा सी, मतलब नॉट टू बी सिलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 6 से 15 इसी पे बेस्ड है, 7वां क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। सौरभ ग्रेजुएट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पहला क्लियर, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इंडियन सिटीजन है, ही वॉज बॉर्न ऑन 6 जुलाई 1982। अब देखिए 6 जुलाई 1982, एज चेक करिए, 1982 से लेके 2000 तक कितने साल हो गए, 18, 2000 से 2010 तक 28 साल, वो 28 साल का हो जाएगा 6 जुलाई को, पर मुझे एज चाहिए एक, मुझे एज चाहिए एक एक को, ठीक है, तो एक एक को मेरे पास वो 28 का नहीं हुआ, 27 प्लस का हुआ, क्लियर, तो 27 प्लस का हुआ, 28 का नहीं हुआ, तो एज चल जाएगी उसके 290 मार्क्स है रिटन टेस्ट में, 170 मार्क्स है इंटरव्यू में, और वो SC ST को बिलोंग नहीं करता, तो मतलब वो सिलेक्टेड, सब कुछ क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, एज पूरी, सब कुछ पूरा, तो वो क्या हो जाएगा सिलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भगत ST को बिलोंग करता है, ही हैज ऑब्टेन्ड 80% मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड 60% मार्क्स इन इंटरव्यू, बिल्कुल सही, ST को बिलोंग करता है, 40% मार्क्स भी चल जाने थे, 80% है, गुड, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो इंडिया का सिटीजन है, वो 40 साल का हो जाएगा 15 अगस्त 2019 को। अब देखिए 2019 में वो 40 साल का होगा, मुझे 2010 चाहिए, तो मतलब -9 ईयर्स, तो 31 साल का हो जाएगा। हाँ जी अगर SC ST है तो एज 32 साल तक चल जाएगी, तो 31 है तो चल जाएगा, वो ग्रेजुएट है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हाँ जी क्या आएगा आंसर, सिलेक्टेड, दैट इज बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला बहुत ध्यान से देखने वाला है। हाँ जी नेक्स्ट में कह रहा है मीनाक्षी 22 साल की है, तो पहली कंडीशन पूरी, क्लियर, फिर उसने कहा मीनाक्षी 22 साल की है, ठीक है, फिर उसने कहा उसके 50% मार्क्स है इंटरव्यू में और 60% रिटन टेस्ट में। अब देखिए मार्क्स कम है उसके, मार्क्स 70% रिटन टेस्ट और 60% इन इंटरव्यू, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वो इंडियन सिटीजन है और वो SC ST नहीं है। अब देखिए मेरे पास ग्रेजुएशन के बारे में कुछ नहीं दिया, मेरे पास सेकंड के बारे में कुछ नहीं दिया, थर्ड वो पूरा कर नहीं रहा। अब इसमें बच्चे को डाउट आता है कि मैम डेटा इनएडिक्वेट आंसर आएगा कि नॉट टू बी सिलेक्टेड। अब देखिए अगर मुझे वो डेटा सेकंड वाला दे भी देता तो आंसर सिलेक्टेड नहीं हो सकता था, क्योंकि वो थर्ड कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं रहा, तो इसमें आंसर आएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड। डेटा इनएडिक्वेट कब आता है, जब वो सिलेक्ट होते होते रह जाता है, अब वो सिलेक्ट हो ही नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसने थर्ड कंडीशन पूरी ही नहीं है, अगर वो SC ST होता तो कंडीशन पूरी हो जाती। चलिए 9th का आंसर आ जाएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड। अब अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। चलिए निरंजन शाह ग्रेजुएट है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएट है तो कंडीशन पूरी अपनी सेकंड वाली। नेक्स्ट उसने कहा वो इंडियन सिटीजन है, फोर्थ भी पूरी, उसके ऊपर एक केस चल रहा है। हाँ जी जब केस चल रहा है तो उसने कहा था उसको प्रोविजनली रिक्रूट कर लेना है, टेम्परेली रिक्रूट कर लो, जब केस खत्म हो जाएगा हम उसको वो कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। उसके मार्क्स कितने हैं, 70% रिटन टेस्ट, बिल्कुल सही, जितने हमें चाहिए उतने हैं उसके मार्क्स,
80% इन इंटरव्यू, ये भी ठीक है। अब मेरे पास सब कुछ पूरा है, पर इसमें एक चीज ये मेंशन नहीं है कि वो एससी एसटी है कि नहीं है। अगर वो एससी एसटी, हाँ जी देखिए एज गिवन है हमें, नहीं सॉरी एससी एसटी की जरूरत भी नहीं थी इसमें, हमें क्या नहीं गिवन, उसकी एज, एज गिवन नहीं है। अगर उसकी एज 28 से ज्यादा भी हो सकती है, 22 से कम भी हो सकती है, बाकी सारा डेटा है। ध्यान से देखिए, सेकंड कंडीशन पूरी, ग्रेजुएट है, नंबर भी पूरे, इंडियन सिटीजन है, केस उसके ऊपर चल रहा है। अब वो सिलेक्ट हो सकता था, पर अगर एज दे देता, अब एज नहीं है तो आंसर आ जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, तो आंसर इसमें आ जाएगा फर्स्ट, क्लियर। अब डेटा इनएडिक्वेट कब आता है, जब वो सिलेक्ट होते होते रह जाता है। बच्चा सिलेक्ट हो रहा था, सब कुछ कंडीशन पूरी है, पर एक चीज गिवन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेवेंथ। हाँ जी इलेवेंथ में कह रहा है आकाश वॉज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1984। हाँ जी 84 बॉर्न है, 84 बॉर्न है, तो 84 से लेके 2000 तक चेक कीजिए कितने साल हुए, 16, फिर उसके बाद 10, हाँ जी कितने हो जाएंगे 26, तो मतलब एज बीच में ही आ रही है। ग्रेजुएट है, इंडियन सिटीजन है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। मार्क्स देखिए 260 मार्क्स इन रिटन टेस्ट, हाँ जी मार्क्स कितने हैं उसके 260, और मुझे कितने चाहिए थे 260 मार्क्स, मुझे कितने चाहिए थे 280 मार्क्स, ठीक है 400 थे, 400 का 70% कितना होता है 280, तो रिटन रिटन टेस्ट में मार्क्स कम है, इंटरव्यू में 120 चाहिए थे 180 है, क्लियर। और वो एससी एसटी नहीं है, अगर वो एससी एसटी होता तो नंबर चल जाते, अब वो एससी एसटी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगी। अब इसमें आंसर आ जाएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड, यानी कि सी आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रीतम के 320 मार्क्स है रिटन टेस्ट में, बिल्कुल सही, 180 पर मार्क्स इन इंटरव्यू, ये भी सही। वो 1 जनवरी 1981 को बॉर्न हुआ, ध्यान से देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसमें 82 बॉर्न था, 82 वाला पूरा पूरा 28 में आ रहा था, तो 81 वाला 29 में जाएगा, तो एज ज्यादा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, वो इंडियन सिटीजन है, एसटी एससी को बिलोंग करता, अब एससी को बिलोंग करता है तो 32 साल तक चल जाएगी, तो एज पूरी, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ग्रेजुएट है, हाँ जी एससी एसटी है तो चल जाएगा, क्या आ जाएगा सिलेक्टेड, हाँ जी क्या आंसर आ जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए पूजा, हाँ जी पूजा 24 साल की है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसके हस्बैंड इंडियन सिटीजन है। देखिए यहीं से क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड, कैसे, देखिए मुझे बोल दिया कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसके हस्बैंड इंडियन सिटीजन है। जब मेरे पास स्टेटमेंट में आ जाए द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडिया में पला बड़ा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये नहीं कि उसके शादी के बाद बना है, तो इसमें सीधा ही आंसर आ जाएगा नॉट टू बी सिलेक्टेड, क्योंकि कैंडिडेट इंडियन सिटीजन नहीं है, वो शादी के बाद बना है। चलिए तो इसका आंसर सीधा ही क्या आ जाएगा, नॉट टू बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी लास्ट के दो क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, 14 एंड 15। चलिए 14 में कह रहा है परमजीत ग्रेजुएट है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो परमजीत ग्रेजुएट है, अपने पास सेकंड कंडीशन पूरी, वो 1 अप्रैल 1979 को बॉर्न हुआ, हाँ जी एज फिर से ज्यादा हो गई, देखिए 81 की ज्यादा थी, 79 तो ऑब्वियस है 28 से ज्यादा होगा, उसके 80% मार्क्स है रिटन टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी, ये भी क्लियर, ये भी ठीक है, इंडियन सिटीजन है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। अब देखिए जो उसकी एज ज्यादा है, मुझे नहीं बताया कि वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है या एससी एसटी को, इसमें मेरे दो आंसर्स आ सकते हैं। पहला आंसर, अगर वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो पहली कंडीशन थी मेरे पास कि कैंडिडेट 22 से 28 के बीच में, अगर ये पूरी नहीं कर रहा तो बंदा चेयरमैन को रेफर करना है, तो वो अगर जनरल कैटेगरी को है तो चेयरमैन को रेफर करेंगे, पर अगर एससी एसटी है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि वो एससी एसटी है कि नहीं है, अगर लिखा होता ही बिलोंग्स टू एससी एसटी तो आंसर आता सिलेक्टेड, अगर लिखा होता ही डज नॉट बिलोंग टू एससी एसटी तो आंसर आ जाता जनरल चेयरमैन, क्लियर। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आंसर आ जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, हाँ जी
क्वेश्चन में कह रहा है आर्यन इंडियन सिटीजन है, बिल्कुल सही, इंडियन सिटीजन चाहिए। 290 नंबर मार्क्स रिटन टेस्ट में, 180 मार्क्स इंटरव्यू में, बिल्कुल सही। एससी एसटी नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है, और वो बॉर्न हुआ 1973, ग्रेजुएट है। अब देखिए एज उसकी ज्यादा है, एज ज्यादा है, और उसने मुझे मेंशन कर दिया कि वो एससी एसटी नहीं है। अगर वो एससी एसटी नहीं है तो हमारे पास क्या पहली कंडीशन थी? हाँ जी, अगर वो एससी एसटी नहीं है तो हमारे पास कंडीशन थी कि हम उसको चेयरमैन को रेफर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें मेंशन है कि वो एससी एसटी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा चेयरमैन को रेफर करेंगे, दैट इज डी आंसर। दोबारा देखिए, आर्यन इंडियन सिटीजन, नंबर भी पूरे, एससी एसटी वो है नहीं, क्रिमिनल केस उसके ऊपर है नहीं, ग्रेजुएट वो है, एज ज्यादा है, एज ज्यादा है, जनरल कैटेगरी का है, तो कहां रेफर करेंगे? चेयरमैन के पास। अब इसके बाद 50 क्वेश्चंस आपकी बुक में है, 50 क्वेश्चंस तक 15 मैंने करवा दिए, बाकी आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 35 कर लीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आराम से कर सकते हैं। आरआरबी के पेपर में इसके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बाकी एसबीआई आईबीपीएस में कम आते हैं। चलिए, आपने 50 क्वेश्चंस तक कर लेने हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा हम ज्ञानम में आपके डाउट्स ले लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।